गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊते का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन जिलों में से 3 समुद्री सीमा से सटे हैं। सभी में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। उधर मुंबई की मेयर का कहना है कि तूफान की वजह से सोमवार को वैक्सीन लगाने का काम बंद रखा जा सकता है। शायद कल के लिए भी बंद रहेगा शायद, क्योंकि ये जो बादल है वो कितना किलोमीटर से दौड़ने वाला है। जो ज़्यादा रहेगा तो लोगों को बाहर आना अनुमति नहीं है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कल के लिए शायद बंद रहेगा, लेकिन मंगलवार से तो कंटिन्यू चालू रहेगा। स्टॉक कितना है क्या? नहीं, वो स्टॉक हमेशा बताया नहीं जाता है हमें, क्योंकि रात को 2 बजे 1 बजे से आता है, राज्य में महानगर पालिका में आता है। लेकिन महानगर पालिका हमेशा सबका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह करती है। तूफान के कारण गोवा के कई जिलों में पावर सप्लाई कट हो गई है। वहीं केरल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकरा गया है। अब वह गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर रविवार से ही तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट के चलते बीएमसी को कोविड केयर सेंटर से 580 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा है। साइक्लोन का जो पाथ होता है वो कभी भी अनप्रेडिक्टेबली वियर कर सकता है, तो ये राइट को वियर किया है, राइट साइड को शिफ्ट किया है पाथ जो है। और ये अब जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बल्ज, जो सदर्न बल्ज है गुजरात का, उसी के सेंटर में जा रहा है, न कि लेफ्ट में जा रहा है, जो कि कर्व होके पाकिस्तान और कराची की तरफ जाने की बात थी। वैसा नहीं हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो उसका जो असर होने वाला है वो जूनागढ़ और फिर इनलैंड वो जाएगा। और कल जब लैंडफॉल होने की बात कही गई है, लैंडफॉल के समय इसकी कैटेगरी होगी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे और या उससे ज्यादा की हवा चलती है और 160-170 तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। यह तूफान 18 मई की सुबह गुजरात के पोरबंदर और महुआ कोस्ट के बीच से गुजरेगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात को लेकर अहम बैठक बुलाई। इसमें राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस वर्चुअल बैठक में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के अलावा दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।